चलिए अब हम आपको जबलपुर के एक ऐसे इंजीनियर से मिलवाते हैं जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करते हुए बुजुर्गों की मदद के लिए ऐसे छाते और घड़ी का निर्माण किया जो उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। देखिए इस रिपोर्ट में तस्वीरों में नजर आने वाली ये छड़ी कोई आम छड़ी नहीं है बल्कि ये टेक्नोलॉजी से लैस एक ऐसी छड़ी है जो सहारा देने के साथ सुरक्षा भी देती है। कुछ ऐसा ही काम ये छाता भी करता है जो बुजुर्गों को बारिश से बचाने के साथ साथ कई और तरीके से मदद करता है। यही नहीं, छड़ी और छाता किसी परेशानी में पड़ने पर बुजुर्ग की लोकेशन भी घर वालों को भेज देता है जिससे उनकी सही तरीके से सुरक्षा हो सके। और इसे बनाया है IIITDM के प्रोफेसर विश्वजीत मुखर्जी ने, जिनके मुताबिक छड़ी और छाते में लाइट और अलार्म का बटन दिया गया है, साथ ही इसमें GPS सिस्टम भी लगाया गया है ताकि आवश्यक होने पर बुजुर्ग की लोकेशन घर वालों को मिल सके और उन्हें किसी भी मुसीबत से बचाया जा सके। वॉकिंग स्टिक और अम्ब्रेला, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उसका ध्यान में रखते हुए उनके क्या एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स है, क्या उनके बॉडी टाइप्स है, क्या उनके बॉडी मेजरमेंट्स है, उसको ध्यान में रखते हुए 3 वॉकिंग स्टिक और 2 तरीके के अम्ब्रेला हमने डिज़ाइन किए हैं, जिसमें हमने थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी जोड़ी है ताकि यदि कभी कोई वरिष्ठ नागरिक अकेले कहीं पर जाना चाहे एवं वे किसी मुसीबत में पड़ जाए तो उनके नियर एंड डियर वंस को ये पता लग जाए कि वो किसी मुसीबत में और कहाँ हैं। छाते को बांह पर बांधने के लिए एक बेल्ट दिया गया है जो बिल्कुल BP मशीन की तरह है, जिसे लपेट कर कस दिया जाता है और ऐसा करने पर छाते का वजन सिर्फ हाथ पर नहीं पड़ेगा। छाते को गोलाकार के बजाय अंडाकार रूप दिया गया है जो बारिश से बचाने में अधिक कारगर होगा। फिलहाल दोनों के डिजाइन को पेटेंट के लिए भेजा गया है और जल्द ही ये मार्केट में उपलब्ध होगा। जबलपुर से दुर्गेश कुमार की रिपोर्ट, टीम न्यूज स्टेट। वहीं अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। बारिश और बाढ़ ने इस साल 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, सैलाब से हुई तबाही के निशान अब नजर आ रहे हैं। बर्बादी का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं लेकिन जिंदगी को फिर से पटरी पर लौटने में अभी भी काफी वक्त लगेगा। महाराष्ट्र में सैलाब ने किस कदर तबाही मचाई है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। हर तरफ बस बर्बादी के निशान रह गए हैं। विनाशकारी बाढ़ ने किसी की जिंदगी छीन ली तो किसी ने अपनों के साथ साथ अपना घर बार सब कुछ गंवा दिया। महाराष्ट्र में आफतकारी बाढ़ ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। 6 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। उन्हीं में से एक जिला है कोल्हापुर, जहाँ सैलाब ने किस कदर कोहराम मचाया इन तस्वीरों को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सैलाब के बाद पानी का लेवल जैसे जैसे कम हो रहा है, तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। कोल्हापुर हाईवे पर तमाम जो दुकानें, जो शोरूम, जो होटल आपको दिखाई देंगी, ये तमाम होटल्स कभी डूबी हुई थी लेकिन क्योंकि अब पानी का जो स्तर है वो कुछ नीचे आया है, लिहाजा होटल्स जो है वो अब दिखने लगे हैं। आपको मैं एक बार फिर से हाईवे की तस्वीर दिखाता है और आपको बताते हैं कि ये जो हाईवे है ये पूरी तरह से डूबा हुआ था। करीब 5 दिनों से ये हाईवे बंद था। यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी वो फंसी हुई थी और गाड़ियों का सिर्फ छत दिखाई दे रहा था लेकिन क्योंकि अब पानी नीचे जा चुका है और आप देख सकते हैं कि अभी भी घुटने भर पानी में हम खड़े हैं, लेकिन अब जब पानी नीचे जा चुका है तो जो होटल के मालिक हैं, जो आसपास की दुकानें हैं, वहाँ पर साफ सफाई की जा रही है। आपको एक होटल में लेकर हम चलते हैं जो कि हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ है। जब इस तरह के होटल खुलते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं क्योंकि हाईवे पर होटल्स में हमेशा चकाचौंध होता है, हमेशा ग्राहक भरे हुए होते हैं, लेकिन बीते कई दिनों से बाढ़ की वजह से ये होटल जो था वो पानी में छुपा हुआ था। देखिए निशान, देखिए अभी भी करीब यहाँ तक इस लेवल तक यहाँ पर पानी भरा हुआ था। अब आपको कोल्हापुर हाईवे के आसपास की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ दुकानें, शोरूम अब भी पानी में डूबे हैं। वर्कशॉप का क्या हाल हुआ है, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। यहाँ ठीक होने आई गाड़ियाँ पानी में डूबी हैं। कोल्हापुर हाईवे के बिल्कुल बगल की ये तस्वीर, ये एक गैराज की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गाड़ियाँ किस कदर अभी भी डूबी हुई है आप देख सकते हैं। जिस हाईवे पर इस वक्त हम खड़े हैं ये NH4 है और आपको बता दें कि करीब 5
दिनों से यह हाईवे बंद था क्योंकि करीब 15 फीट पानी इस हाईवे पर था, और अब क्योंकि पानी नीचे जा चुका है, हाईवे खुल चुका है, तो जो गाड़ियां यहां से जा रही है उन्हें ज़रूर राहत मिल गई है, लेकिन जो गैराज है, जो यहां की दुकानें हैं, जो आसपास जो यहां पर लोगों के बिजनेस थे, वो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। गाड़ियां किस कदर देखिए यहां पर डूबी हुई है। इस गैरेज में काम करने वाले एक शख्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये कितने दिनों से ये पानी में डूबा हुआ है गैरेज? मेरे साथ तो 3-4 दिन हो चुका होगा। 3-4 दिन से डूबा हुआ है? हाँ। ये बताइए कितना पानी था पहले? पहले इसके ऊपर से पानी जाता था, पूरा गैरेज का ऊपर का जो पतरा है वो पूरा पानी में डूबा था। वो जो पतरा ऊपर दिख रहा है वो पानी में डूबा हुआ था? वो पानी में। एक बार मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कामेश आपको दिखाएं, जिस पतरे की वो बात कर रहे हैं उसकी हाइट देखिए कितना फीट होगा। ये पतरा करीब 20-25 फीट होगा। कोल्हापुर में अचानक इतनी बारिश हुई कि मकान दुकान सब डूब गए। तबाही की जो तस्वीर अब सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि सैलाब ने कोल्हापुर को कितना दर्द दिया है। लोगों का गुस्सा सरकार और प्रशासन को लेकर भी है। घरों में मिट्टी भरा हुआ है, कई घर जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे। ये एक घर है, और ये घर, इस घर की दीवार जो है वो टूट चुकी है। दीवार टूटकर मलबा जो है वो अंदर आ चुका है। घर की हालत आप देख सकते हैं, पूरा जो घर है उसमें कीचड़ आपको दिखाई देगा। और कई ऐसे घर हैं इस इलाके में जहां इसी तरह की हालत है। कुछ घर जो हैं वो पूरी तरह से मलबे में आ गए, लोग दब गए, लोगों की जान चली गई, लेकिन कई लोग जो हैं वो बाल बाल बच गए। इनसे बात करते हैं, क्या हुआ था, आप थे यहाँ पर? कल रात में यहाँ हमारे फ्रिज के ऐसे पानी आया तो हम दोनों बहन उठे पानी के, इधर कपड़ा लगाने, तो देखो कपड़ा अभी तक वैसे ही है। कपड़ा लगाने उठे, उठते में पूरा दीवाल गिर गया। तो हम लोग यहाँ से भागते गए तो यहाँ से पूरा वहाँ तक करंट लग रहा था वो दरवाजे में आने, और मेरी मम्मी वो रूम पे थी और छोटा बच्चा भी था, पूरा गली में करंट लग रहा था। और भी देखिए, आप बताइए मैम। मेरा नाम रंजना है, रंजना मान के बोलती हूँ। मेरे दो बच्चे मरते बच गए, हमारे हेल्प कोई नहीं करे, हम लोग कोई तो हेल्प के लिए भेजो, हमारा गली साफ करके तो हम लोग को इधर रूम दो। हम 12 बजे से पानी में तड़प रहे, बहुत सारे जन की मौत हो गई। रात आप लोग ऐसे ही थे? पूरे रात हम लोग कैसे, दो दो महीने का, तीन तीन महीने का बच्चा लेके हम बरसात में बैठे ले, सब आके इधर देखे, कोई नगर से हमारी हेल्प कर रहा नहीं है। हम लोग को कुछ तो घर तो दो, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं हम लोग को। कोल्हापुर के अलावा सांगली, सतारा, रायगढ़ में भी बारिश और बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है। वहाँ भी बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। ये सांगली की तस्वीरें हैं, जहाँ सैलाब की वजह से अब भी सड़कों पर 10 से 12 फीट पानी जमा है। यहाँ भी सैकड़ों आशियाने सैलाब की भेंट चढ़ गए। कई घर अब भी पानी में डूबे हैं, जबकि कई घरों में पानी भरा है। सैलाब और इस आफत के बीच एक बिल्कुल अलग तस्वीर भी देखने को मिली। इस मुश्किल वक्त में भी लोगों ने हालात का सामना किया और हार नहीं मानी। यहाँ एक दूल्हा दुल्हन नाव पर सवार होकर शादी हॉल पहुंचे। महाराष्ट्र में सैलाब ने जिस कदर तबाही और बर्बादी मचाई है, उससे उबरने में अभी लोगों को काफी वक्त लगेगा। राज्य में सैलाब में अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं।